HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। और इसी खबर में बातचीत करने के लिए हर्ष रुंटा से हमारे साथ जुड़े हैं apnalon.com के। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। यहाँ जो 30 BPS की जो बढ़ोतरी की गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? और भी कई बैंकों ने इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड पे बढ़ाया है फिलहाल। पिछले दिनों में ICICI बैंक ने भी बढ़ाया था, उसके पहले एक दूसरे बैंक ने भी बढ़ाया है, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ी रही है। उसमें क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ाया गया है। और इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी में सिर्फ आप ब्याज की बढ़ोतरी ना देखें, क्योंकि उस ब्याज पर सर्विस टैक्स भी लगता है जी। तो एक्चुअल इंक्रीज जो है उस पर 12.36% और लग जाएगा, तो रफली ये करीबन 0.35% के आसपास का इंक्रीज है, न कि 0.30% के आसपास का इंक्रीज। यहाँ पे हर्ष, अगर बैंक अब जो बढ़त देख रहे हैं हम ब्याज दरों में, इसका मेन कारण क्या समझे? क्या यहाँ पे क्रेडिट डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं? अब जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ा पे बैंक डिपॉजिट्स में बढ़ाई जा रही है, साथ ही क्रेडिट कार्ड्स को लेकर भी उसी तरह का रुख इस समय आप क्रेडिट डिविजन में भी अपनाया जाए, तो ये क्या पाना तो मुश्किल है कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर बैंक इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहा है। तो ये तो उनके इंटरनल रीजन है, बट सारे मार्केट में मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है कि पहली बात ब्याज की दरें बढ़ गई है, और दूसरी बात जो डिलेड पेमेंट्स हैं या जो डिफॉल्ट्स हैं क्रेडिट कार्ड पर, उनमें भी इजाफा हुआ है, वो भी बढ़े हैं, और वो भी एक रीजन है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट के लिए, क्योंकि अब बैंकों को वो नुकसान बाकी जो उनके अच्छे ग्राहक हैं उनसे लेकर पूरा करना पड़ रहा है जी। हर्ष, यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि बैंकिंग स्पेस में डिपॉजिट्स और एडवांसेस के अलावा जिस तरह की वैल्यू एडिशन सर्विसेज जैसे क्रेडिट कार्ड है या डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं, उसमें बैंक काफी इन्फोसिस कर रहा है, लेकिन इस तरह की जो बढ़त हम देखेंगे ब्याज दर में, क्या आपको लगता है काफी डेंट पड़ेगा आगे चल के मार्जिन पर भी? तो बैंकों की मार्जिन पर तो डेंट नहीं पड़ेगा, इसीलिए रेट बढ़ाई गई है। तो इसी अगर आप देखें तो लेंडिंग रेट जो है वो ज्यादा बढ़ी है बनिस्पत के डिपॉजिट रेट, तो मार्जिन तो शायद इंप्रूव होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम्स पर तो क्लियरली असर पड़ेगा। ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा हाई है, और अब उस पर और बढ़ोतरी करने से शायद जो उसका यूसेज है क्रेडिट के लिए वो शायद थोड़ा कम हो, उस हिसाब से उनकी मार्जिन पर फर्क पड़ सकता है। बाकी तो ब्याज की दरें इन लोन्स पर ज्यादा बढ़ी है बनिस्पत डिपॉजिट की रेट जी। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। धन्यवाद।